की संख्या लगभग 40 लाख से अधिक हो सकती है, क्योंकि इस बार वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने हाल ही में डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लिया है। अगर उनका एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और सीटेट का फॉर्म आ चुका है तो आप भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर या एक साल पास हुए हों। इसके अलावा सीटेट का फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि सीटेट की वेबसाइट पर काफ़ी वर्क चल रहा है, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो वेबसाइट पर लोड बढ़ेगा। ये यूपी का सिस्टम है जहाँ पर आप देखते होंगे कि फॉर्म भरने में या स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वेबसाइट ठप हो जाती है, तो सीबीएसई इस बारे में अपना जो वेबसाइट है उसको अपडेट कर रहा है ताकि एकदम से अगर लोड पड़े, काफ़ी सारे लोग विजिट करें वेबसाइट पर, तो वेबसाइट ठप ना हो, सभी अभ्यर्थी टाइम से आसानी से फॉर्म भर सकें। ठीक है, और इस बार सेंटर में भी बदलाव देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थियों का सेंटर बहुत दूर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि पिछली बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था और कई बार दो शिफ्ट में ऐसा भी हुआ था कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच करके उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सीटेट की परीक्षा दिसंबर में होगी, इसके बारे में सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी करके बताया था। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये इस बात से परेशान हैं कि सर अभी तक फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। तो देखिएगा, कारण ये है कि फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ होने का, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, तो फॉर्म भरने में कोई टेक्निकल इशू ना हो इसकी वजह से सीटेट अपने सर्वर को अपडेट कर रहा है। और अगर हम बात करें लास्ट रिकॉर्ड की, तो पिछली बार जो आपका दिसंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर से जनवरी जो आपका एग्ज़ाम चला था, उसका नोटिफिकेशन 17 सितम्बर को आया था। ठीक है, 17 सितम्बर को आया था। तो सीटेट अपने टाइम से हर काम को कर रहा है। आपको लग रहा है, क्योंकि आपका हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का पहली बार एग्ज़ाम हो, तो उनको लग रहा होगा कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या बात है। आपको बता दें, सीटेट के ऑनलाइन आवेदन सितंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। वो डेट 5 सितंबर को है, आपका शिक्षक दिवस और आई थिंक रविवार है, तो मान करके चलिएगा 6 या 7 सितंबर से सीटेट ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। बट तैयारी अगर आपकी पहले से होगी तो ज़्यादा सहूलियत होगी आपको पेपर हल करने में, क्योंकि इस बार सिलेबस में अगर हम बात करें सिलेबस में क्या क्या बदलाव होगा, तो सिलेबस में जो पॉइंट लिखे होंगे वो वही होंगे जो आप अभी तक देखते हुए आए हैं, बट प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनटीए के सहयोग से सीबीएसई ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है, तो एनटीए की खास बात क्या है। एनटीए के बारे में आपने अगर नहीं सुना है, तो एनटीए अन्य कई सारी परीक्षाओं को कराता है, उसका जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, प्रश्न को रिपीट नहीं किए जाते हैं। एनटीए के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं किए जाते हैं। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो इस बार जो है प्रश्न जो आएंगे, आपने देखा होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एज इट इज़ प्रश्न रिपीट नहीं हुए हैं, संख्या में बदलाव करके प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन हल किया होगा ईबीएस के अंतर्गत रेलगाड़ी वाला प्रश्न, तो उसमें लगभग कई बार ऐसा होता था कि 53 आंसर आपको मिल जाता था या 54, दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक का आंसर 53 आता था, एक का 54, लेकिन इस बार उसमें भी परिवर्तन किया गया है संख्याओं में। तो एनटीए की यही खास बात है कि क्वेश्चन सेम आपको रिपीट देखने को नहीं मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि प्रीवियस ईयर के हम सारे प्रश्नों को याद कर लें, उसी में से सारे प्रश्न आ जाएं, तो बिल्कुल एज इट इज नहीं आने वाले हैं, घुमा फिरा करके शब्दों का प्रयोग हेर फेर करके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपनी समझ को विकसित करिएगा बजाय क्वेश्चन को रटने के, क्वेश्चन को रटना नहीं है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं फैक्ट वाले, जैसे मधुमक्खी पालन का समय आपसे पूछ लिया जाता है, चिराओ कहाँ का है संबंध, है ना, झूम खेती कहाँ होती है, मैना के बारे में, बीवर पक्षी के बारे में, फैक्ट आपको आने चाहिए, बट इस पर प्रश्न जो है वो कूट आधारित पूछा जा सकता है, कथन सही कथन वाला पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से हाथी के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है या सही कथन कौन सा है, तो ये फैक्ट आपको याद करने, बट आप सोचिए कि एज इट इज़ प्रश्न रिपीट हो जाए तो ये नहीं होने वाला, ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे वो एनसीएफ के साथ साथ अब नई
शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड होंगे। और आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अगर पेपर को देखा होगा तो अब कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आने लगे। कथन निष्कर्ष में देख करके घबराना नहीं है, दो स्टेटमेंट दिया होता है, आपको ये पहले चेक करना है कि दोनों ही बातें सही कही गई हैं या फिर दोनों ही बातें गलत हैं। अगर कोई बात सही कही गई है तो उसके पीछे तर्क क्या है और उसका कारण क्या है, बस इतना सा है। तो उसको देख करके परेशान नहीं होना है। जब कई सारे प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसी चैनल पर कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस का एक अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसी प्रकार से ट्रेन वाले क्वेश्चंस का, रेलगाड़ी और ट्रेन और दिशा वाले क्वेश्चंस का, मैप वाले क्वेश्चंस का, सबका अलग अलग वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ईवीएस के बाद अगर हम बात करें मैथ में, तो मैथ में एक दो प्रश्न आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग को देखने को मिले हैं, जैसे लास्ट टाइम भी देखने को मिले थे तो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। बाल विकास की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं बाल विकास में। फैक्चुअल क्वेश्चन कम होंगे, क्वेश्चन की जो भाषा है वो थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन को बड़ा बना करके घुमा फिरा करके पूछा गया है, पूछना वो सिंपल चीज ही चाह रहा है, लेकिन हमने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें शुरुआत में कहानी लिख करके और लास्ट में पूछ लेता है कि जीन पियाजे के अनुसार ये क्या है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है स्टार्टिंग में। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट नॉलेज होने के साथ साथ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर को कम से कम 3-4 बार लगाइए, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं हल करेंगे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस, 2-3 प्रश्न रीजनिंग के भी आपको देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के। और ईवीएस की अगर हम बात करें, याद आ गया हमें, तो ईवीएस में अब जो है, अभी तक क्या था कि वही आप कक्षा 3-4-5 की ईवीएस पढ़ लेते थे, 15 में 15 आ जाते थे, ठीक है। अब क्या है, ईवीएस 3-4-5 की आपको हेल्प तो करेगी लेकिन 15 में 15 नहीं। अब वहाँ से आपको मुश्किल से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके कक्षा 6-7-8 की साइंस से। तो आपको 6-7-8 की विज्ञान भी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार विज्ञान से आए हैं, हमने जब सीबीटी वाले पेपर को हल कराया है तो वहाँ पर देखने को मिला है। बात करेंगे लैंग्वेज की, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको 30 नंबर का पैराग्राफ आता है, उसमें आपको थोड़ा सा अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी मानसिकता ये बनी है कि पैराग्राफ में तो उसी से क्वेश्चन छांट करके लिखना होता है, आराम से कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। पैराग्राफ की प्रैक्टिस अगर आप घर से करके जाएंगे और वहाँ पर जब आप पैराग्राफ करेंगे तो आपका समय बचेगा, आपको अटपटा नहीं लिखेगा, कुछ ट्रिक्स आपकी खुद की बन जाएंगी कि पहले प्रश्न का आंसर आखिरी लाइन में होता है, ठीक है, शब्दार्थ वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ वाक्यांश वाले आते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस जब आप किए होंगे तो आपको पेपर एग्जामिनेशन हॉल में पैराग्राफ के क्वेश्चंस को हल करने में समय कम लगेगा। इसके अलावा आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ को हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बदलाव देखने को मिला है, और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा अगर आप सीटेट का फॉर्म इस बार भरने जा रहे हैं तो, 10th 12th की मार्कशीट की डिटेल्स, ठीक है, उसका रोल नंबर, कितने मार्क्स थे, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, साथ ही साथ अगर आपने बीएड या डीएलएड में अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर आप कॉलेज से जरूर मंगा करके रख लें, ताकि फॉर्म भरने के समय आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दिसंबर में परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी, कई शिफ्ट में होगी तो ये हो सकता है परीक्षा जनवरी तक जाए, बट फॉर्म भरना आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक हर हाल शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपका ध्यान इस बात पे नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भरना क्यों नहीं शुरू हुई है, बल्कि आप अपनी तैयारी करते रहें। इस चैनल पे आपको सीटेट की तैयारी कराई जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कोई अगर डाउट है आपको तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीटेट की सारी पापा वीडियोज बनी हुई है जिसमें कंप्लीट थ्योरी कराई गई है, फिर से हम काम कर रहे हैं, नए वीडियोज आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे।